नमस्कार, स्वागत है आपका RA7 क्रिकेट न्यूज में। टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, बारबाडोस को हराया 100 रनों से और इसी के साथ सेमीफाइनल में की अपनी जगह पक्की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल, तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बुधवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना बारबाडोस के साथ था। बारबाडोस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बारबाडोस 62 रन बना सकी मात्र। टॉस हार कर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पिछले मैच की हीरो स्मृति मंदाना 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई जेमिका रोड्रिगेज और शेफाली वर्मा ने सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को अच्छी स्थिति में लेकर आई। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी की। शेफाली वर्मा 43 रन बनाकर आउट हो गई। वह अपने अर्धशतक से चूक गई। इसके बाद भारत को दो झटके बहुत जल्दी लगे। कप्तान हरमनप्रीत कौर गोल्डन डक हुई और पहली गेंद पर LBW आउट हुई। इसके बाद तानिया भाटिया भी 6 रन बनाकर कैच आउट हो गई। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई दीप्ति शर्मा ने जेमिमा रोड्रिगुएज का बाखूबी साथ निभाया और अर्धशतकीय साझेदारी की। दीप्ति शर्मा ने अंत में कुछ आक्रमण शॉट लगाए। जेमिमा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनके T20 करियर का सातवां अर्धशतक था। तो यही बता दें कि टीम इंडिया के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। उन्होंने 4 ओवर में 10 रन दिए। मेघना सिंह, स्नेह राणा, राधा यादव और हरमनप्रीत कौर को एक एक सफलता मिली। टीम इंडिया इस जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वो देखना यह दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में जीत के अपनी गोल्ड मेडल के लिए जगह पक्की कर पाती है कि नहीं। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया गोल्ड मेडल जीतेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।